अमेरिका के पूर्व अम्बेसडर तरनजीत सिंह संधु इस बार के लोकसभा चुनाव से अपने चुनावी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्हें पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें 2100 पुलिस जवानों की सुरक्षा के साथ नॉमिनेशन भरना पड़ा था। उन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद खराब हुए भारत अमेरिका के संबंधों को फिर से बढ़िया करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए आज जानते हैं तरनजीत सिंह संधु के बारे में। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 23 जनवरी 1963 को एकेडमिक्स के परिवार में जन्मे तरनजीत सिंह संधु ने हिमाचल प्रदेश के सनावर के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू में इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। तरनजीत के पिता भीषण सिंह मरीन एजुकेशनिस्ट थे। वे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर थे। तरनजीत के दादा सरदार तेजा सिंह समृद्धि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख लीग में सक्रिय रहे हैं। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ मंच साझा किया था। तरनजीत सिंह की शादी रीनत संधू से हुई है। वो इटली में भारत के एम्बेसडर रह चुकी हैं। आपको बता दें, तरनजीत सिंह संधू ने 1988 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज में प्रवेश किया था। उन्होंने पूर्व में सोवियत संघ रूस से अपनी एम्बेसडर जर्नी की शुरुआत की थी। यहाँ वो 1990 से 1992 तक भारतीय मिशन में थर्ड सेक्रेटरी पॉलिटिक्स और सेकंड सेक्रेटरी कमर्शियल के रूप में उन्होंने काम किया था। आपको बता दें, वो 90 के दशक में पोखरण परीक्षण के दौरान एक जूनियर एम्बेसडर थे और बाद में मिशन के डेप्यूटी चीफ और एम्बेसडर के रूप में उन्होंने काम किया। संधु को वॉशिंगटन डीसी और दिल्ली के बीच संबंधों में गर्माहट लाने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है, जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद खराब हो गए थे। अमेरिकी कांग्रेस ने जब कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो उस समय भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिक के तौर पर संधू ने अहम रोल निभाया था। इस बीच संधू ने 31 जनवरी 2024 को रिटायर होने के बाद 19 मार्च को बीजेपी ज्वाइन किया। उन्हें बीजेपी ने पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें 2100 पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच अपना नॉमिनेशन लेटर भरने जाना पड़ा था, क्योंकि बताया जाता है कि उनकी जान को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। इस बीच देखना होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जो कि अमृतसर लोकसभा सीट से हैं, तरनजीत सिंह संधू, लोकसभा चुनाव जीतते हैं कि नहीं। ऐसे और स्टोरीज देखने के लिए न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।